ఎవడ్రా నువ్వు? బాసురా లుచ్చ. My wife. Can I say this again? My wife. इसको रेड कलर कर लेना है, इसको कर लेना है आपको ऐड पे क्लिक। मैंने आपको यहाँ पे भी एडिटर्स में आपको फोन वाला कर लेना है सिलेक्ट। दोस्तों आपको साइड टेक्स्ट पीएनजी में आपको यार फॉन्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना है सेकंड बिट पे, यानी आपको प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना आपको इमेजिन वीडियो, इमेजिन वीडियो पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको हमने वाले पीएनजी कर लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने आपको तीनों पे कर देना क्लिक के, उसको कर देना फिलिस के। फिलिसिंग करने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे, ना आपको उसकी साइज थोड़ी बड़ा लेनी है और आपको इस तरह से प्रोफाइल आपको एडजस्ट कर देना है। इस तरह से एडजस्ट करने से सबसे पहले आपको ये पीएनजी को ले जाना आपको लास्ट थर्ड बीट पे, वहाँ पर ले आने के बाद सबसे पहले आपको वहाँ पे थोड़ा आगे आपको आ जाने से आपको आ जाना 5.18 सेकंड पे, प्लस पे कर देना क्लिक। क्लिक करने के बाद जाना आपको इमेजिन वीडियो, इमेजिन वीडियो पे आने के बाद दोस्तों आप मैंने पीएनजी को लेते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने से दोस्त पे कर देना क्लिक, एयर आपको कर देना फिनिश पे। फिनिशिंग करने से पहले आपको बीट से कर देना कटआउट। कटआउट करने के बाद सबसे पहले हम सारी पेज कर लेते हैं पहले सिलेक्ट। देखो दोस्तों ने साड़ी यहाँ पर फिनिश कर ली सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ करना है आपको, पहले ले लेना बैग। बैग लेने के बाद सबसे पहले आपको लेना सेक इफेक्ट में,
सेकंड फिट में आने का दोस्तों यहाँ पे आपको जब शेप सीधी का उस पर करना है, क्लिक करने के बाद शो कर लेना आपको कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको ले लेना बैक, बैक ले जाने के बाद इसके लिए आपको आ जाना बिल मार्क पे। बिल मार्क पे आ जाने से पहले आपको यहाँ पे शो कर देना यहाँ पे पेस्ट। पेस्ट करने से पहले आपको ये लेयर को आपको ले जाना यहाँ पे एंड तक। वहाँ पर लेने का सबसे पहले आपको आ जाना यहाँ पे बैक, बैक आने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना सेकंड फिट में। सेकंड फिट में आने से दोस्तों आपको पहले फिट पे कर देना क्लिक, ऐसे कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको ले लेना बैक, बैक लेने के बाद सबसे पहले आपको आ जाना बीट मार्क में। बीट मार्क में आने से सबसे पहले आपको यहाँ पे ये सारी टेक्स्ट पिंज आपको पिंज में आपको पहला फिट ऐड कर देना है। दोस्तों मैंने अलग से 15 सेकंड तक ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपको ले लेना बैक, बैक ले जाने के बाद फिर आपको आना सेकंड फिट में। सेकंड फिट में आने के बाद आपको यहाँ पर सेकंड फिट पर कर देना क्लिक एंड कर लेना कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको ले लेना बैक, बैक ले जाने के बाद फिर आपको अपना बीट मार्क वापस ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों फिर आपको वहाँ पर 15 सेकंड पर आपको आ जाना है। वहाँ पे आने से उसके आपको एक बाकी पिंज में आपको ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। इन्होंने तो सारे पोर्शन में सारे इफेक्ट ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद उसके आपको जाना शायद पोजिशन पे ना आपको प्लस पे कर देना है। क्लिक क्लिक करने के बाद जाना आपको इमेजिंग वीडियो, इमेजिंग वीडियो पे आने से उसके आपको जाना व्यूअर में, व्यूअर में आने से उसके आपको अपना फोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ पे गैली वीडियो लेकर कर लेते हैं सिलेक्ट, सिलेक्ट करने के फिर उस पर कर देना क्लिक एंड आपको कर देना फिनिश। फिनिशिंग करने के बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में आपको आ जाना है। लाइटिंग में कर देना लाइटनिंग, लाइटनिंग करने के बाद दोस्तों आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ। एंड देखिए दोस्तों कुछ हमारे इस टाइप की न्यू अमेजिंग न्यू स्टाइल ट्रेंडिंग रील्स वीडियो एडिटिंग हो चुके हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं चैनल के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर ना चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस तरह डेली वीडियो देखने को मिलती है। जय हिंद।